हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, अपना जो भी टॉपिक्स आपके चैप्टर वन से रह गए थे। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो आप दो डेफिनेशन है इसकी, इन दो डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट स्पीशीज पर। जैसे कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस रिएक्टेंट साइड में अगर आप किसी प्रोसेस में अगर एडिशन ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, हो जाती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्टेंट से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपकी वो होगी, अगर आपको पता करना है कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कौन सी नहीं है, तो आपको ये पता करना होगा कि उस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर ये नहीं हुआ है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ होगा। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से आप समझ सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों इसी की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल आपकी स्किन पे ये रहा, CO, Cu+ ऑक्सीजन क्या बना दिया इसने, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो आपने देखा यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि जो ऑक्सीजन था वो CU से जाकर जुड़ गया। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, वो इससे एकदम अपोजिट होती है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने दो डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो आपका हाइड्रोजन जो है वो किसी प्रोसेस में जुड़ रहा होगा या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या देख रहे थे हम कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ देखा हमने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ देखा हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। तो रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, या और ये आप और समझ सकते हो, ये भी और है, ये दोनों डेफिनेशन इसकी है। दोनों में से अगर एक काम भी हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इससे एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ पर H2+F2 हाइड्रोजन प्लस फ्लोराइड क्या बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में आपने, हाइड्रोजन फ्लोराइड में आपने देखा कि यहाँ हाइड्रोजन से आपका क्या जुड़ा है, फ्लोरिन आपने यहाँ पर जुड़ गया है। अब हाइड्रोजन से जब आप फ्लोरिन अटैच करोगे तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, तो यहाँ फ्लोरिन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पर देखा आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, चाहे वो इस साइड रिएक्टेंट स्पीशीज की हो रहा हो, चाहे इस वाले साइड हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, आपका जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आगे आए, पीछे भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखा आपने फ्लोरिन पहले अकेला था, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपने पहले देखा कि अकेला था, इसके साथ हाइड्रोजन में क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब हाइड्रोजन का अगर एडिशन हो गया है तो उसने क्या बनाया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में आपने देखा कि हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर समझ आ गई होंगी। तो अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि वो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो वो रिएक्शन जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन भी प्लस आपके रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पर आप दो चीजें देखते हो, पहला क्या देखते हो कि कॉपर ऑक्साइड जो है आपका वो कॉपर में जाकर रिड्यूस हो गया, कैसे, ऑक्सीजन था इसके पास पहले, अब यहाँ पर हमने कॉपर को देखा इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरे स्पीशीज के साथ क्या हुआ, आपका रिएक्टेड स्पीशीज H2 था आपका हाइड्रोजन, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया H2O में, यानी कि पहले H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, बाद में H2 के पास ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस रिएक्शन आप देख सकते हो दोनों चीजें हुई है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिमूव भी हुआ है यानी रिडक्शन, और यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस भी रिएक्शन में होंगे उस रिएक्शन को एक नाम दिया गया, इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये कुछ टर्म पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में,
पहली तो ये कि जो भी रिडॉक्स रिएक्शन आपकी होती है उसमें चार चीजें आपकी होती है समझने के लिए। पहली चीज होती है रिड्यूस सब्सटेंस, कि कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन, तो वो सब्सटेंस जो आपके कहां गया, रिडक्शन में गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड है, वो बाद में कहां गया, उसने कॉपर बनाया यानी ऑक्सीजन उसने रिमूव कर दिया। अब उसका ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो चुका है, तो वो उसने कौन से प्रोसेस में गया, वो रिडक्शन की प्रोसेस में गया ना। ऑक्सीजन की रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का प्रोसेस यहां हुआ है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ये रिड्यूस्ड हो गया है, रिडक्शन से निकला है आपका रिड्यूस्ड। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो कॉपर ऑक्साइड CuO, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल इस रिएक्शन से देख रहे हैं, रिड्यूस सब्सटेंस का सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूस्ड, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस होता है आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये वो सब्सटेंस जो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन जो आगे चल के ऑक्सीडाइज हो गया, देखिए H2 था आपका, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो गया यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, H2 आपका हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों के दोनों, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने H2 देखा, ठीक है, H2 आपका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये H2 क्या था, हमने ऊपर देखा ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस था, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। दोनों में फर्क होता है, अगर कोई आपका रिड्यूस सब्सटेंस है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं, वो खुद रिड्यूस्ड होंगे। जैसे कि H2 आपका क्या है, H2 जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस में गया है, यानी ये आगे चल के क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो ये एजेंट हो सकता है, किस चीज का एजेंट हो सकता है, एजेंट होता है ना कोई हमारा काम कर दे, ठीक है, इस तरह से हम कुछ काम कर, इसके थ्रू हम कुछ काम करा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ इस रिएक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा हमारा रिएक्टेंट होगा वो रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, खुद तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चला गया, लेकिन दूसरे इसने रिएक्टेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसके वजह से इसको क्या बोलेंगे, H2 को रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, उसको क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है। तो H2 आपका क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं कि H2 क्या आपका ऑक्सीडेशन में गया है, लेकिन आप कह रहे हो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसने दूसरी चीज स्पीशीज से क्या कर दिया, रिडक्शन करा दिया। तो अगर ये किसी दूसरे को रिडक्शन करा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। द सेम थिंग ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप कॉपर ऑक्साइड को देख सकते हो, ये रिड्यूस्ड हुआ, रिडक्शन प्रोसेस में गया, रिड्यूस सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन इसने H2 को क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है। अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, सेम ऐसे अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता तो ये रिड्यूस नहीं होता। तो ये एक दूसरे को क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, और ये एक दूसरे को रिड्यूस करा रहे हैं और ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद तो रिड्यूस्ड हुआ, लेकिन इसने H2 क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वो एजेंट है जो इसका क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीडेशन कराएगा। तो इसे जहां भी आप ऐड करोगे, ये दूसरी स्पीशीज यानी जो दूसरा इसके साथ सब्सटेंस होगा, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसलिए CuO क्या हुआ आपका एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो कॉपर ऑक्साइड आपका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, भी खुद रिड्यूस हुआ है लेकिन दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज कराया। H2 किसका एग्जाम्पल है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का, भी खुद तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है लेकिन दूसरे को इसने क्या कराया, रिड्यूस कराया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट थी, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन हमारी रिएक्शन होती है, उसके हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या रियल लाइफ इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं इसके ऑक्सीडेशन के। तो इसके दो इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं ऑक्सीडेशन के, पहला तो कोरोजन, दूसरा होता है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर एसिड एसेट्रा फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब कोई भी मेटल आपका, आप आसपास कोई मेटल देखते हो, उसे थोड़े टाइम के लिए जब आप वाटर में प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हो, यानी कि जो मेटल है आपका उसमें कभी हवा पड़ रही है या पानी पड़ रहा है या एसिड वगैरह कहीं से पड़ रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखते हो, उसमें एक लेयर सी बन जाती है, वो लेयर होती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन जाती है, जो क्या करती है, विच वीकेंस द मेटल, जो मेटल को क्या है, कमजोर बनाती है,
ठीक है, हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, इसलिए आप मेटल को जो मेटल जो इस मेटल पे लेयर बन गई है उस मेटल को बोलेंगे हम कोरोड, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, बेसिकली इसे आप हिंदी में समझ सकते हो जंग लगना। जब आप मेटल वगैरह को देखते हो, कोई भी आपने देखी होगी अलमीरा वगैरह मेटल की, तो उसमें क्या होता है जब वो रखी रहती है धूप वगैरह में, उस पर धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, ठीक है, या कुछ ही पड़ता है, तो उस पर ब्राउन कलर सी लेयर सी बन जाती है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, तो उसी को प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी है कि आयरन की रस्टिंग, जब आयरन को आप रखते हो हवा में धूप में, तो उस पर ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है आपकी, ठीक है, फिर उस पर लाइट पड़ रही है, धूप वगैरह पड़ रही है, फिर उस पर बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, उस मेटल को कमजोर बना देती हैं और उस पर एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है, अलग अलग कलर की लेयर बन जाती है, जैसे कि आयरन के केस में रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या देखते हो कि आप ब्राउन कलर की लेयर सी बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है। फिर देखते हो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर वगैरह जो कोई पहनता है, चांदी कोई भी अंगूठी वगैरह ये पहनता है, तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के बाद सिल्वर जो है काली होना शुरू हो जाती है, उस पर काली परत धीरे धीरे चढ़ने लग जाती है, अगर आप उसे पानी में काफी टाइम से पानी में एक्सपोज हुई हो या हवा में एक्सपोज हुई है, तो थोड़े टाइम के लिए आप क्या देखते हो कि उसमें क्या है ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर पे चढ़ने लग जाती है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या, कॉपर, कॉपर के बर्तन अगर आपके घर पे है तो काफी टाइम आप देखते हो तो बर्तन पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या देखते हो ग्रीन कोटिंग, यानी कि हरे कलर की कोटिंग के ऊपर होने लग जाती है। तो सब एग्जांपल किसके हैं, कोरोजन के एग्जांपल है कि धीरे धीरे जो आपका मेटल है, चाहे वो कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, वो वीक हो रहा है, यानी कि वो खराब हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि उस पर आप क्या कर रहे हो, हवा उसे पड़ रही है, ठीक है, उसे मॉइस्चर मिल रहा है, पानी उसे पड़ रहा है काफी टाइम तक, ठीक है, एसिड का उसे रिएक्शन हो रहा है, तो बाहर के जितने फिजिकल फैक्टर्स हैं इनसे वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट होकर मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होकर वो क्या है, क्लियर सी बना रहा है अपने ऊपर, जिसकी वजह से वो जो आपका मेटल है वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो क्या है, वीक हो रहा है, ठीक है। तीनों एग्जांपल आप लिख सकते हो अगर आपका कोरोजन में पूछा जाए। प्रिवेंशन में आप लिखोगे इसके कि आप कैसे बचा सकते हो, कोई भी आयरन है आपका, मान लो कोई मेटल है, उसे आप बचाना चाहते हो कि यार मतलब कोरोजन नहीं होना चाहिए इसका, तो इसके एग्जांपल, इसकी प्रिवेंशन के मेथड है अप्लाइंग पेंट्स, आप पेंट कर सकते हो, मान लो कोई अलमीरा वगैरह है आपके पास आयरन की, तो उसे आपको बचाना है रस्टिंग होने से, तो आप उस पर क्या करें, पेंट कर दें। तो अगर आप पेंट करते भी हैं, बहुत लोग पेंट करते हैं, तो पेंटिंग से क्या होता है कि आपके ऊपर जो कॉन्टैक्ट होता है ना एयर का, और जो आपके वाटर का या एसिड का धूप का कोई भी कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मेटल बच जाता है। अगर आप उस मेटल को किसी तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचा लो, तो फिर उससे आपका क्या है, कोरोजन होने में टाइम लगता है, यानी कि बहुत आपको टाइम लगता है, कभी नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ऑयल वगैरह अप्लाई कर सकते हो आप, कोई भी आपके पास कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है सिल्वर का या गोल्ड का, तो उस पर अगर आप ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह कर दो, तो फिर उस पर इतनी आसानी से जल्दी से कोरोजन नहीं होता, क्योंकि क्या है कि आपके बाहर के जो एयर, ऑक्सीजन, वाटर वगैरह हो गया उनसे, और मेटल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, क्योंकि बीच में आपने ऑयल की लेयर बना दी या पेंट अप्लाई कर दिया, आपने पेंट की लेयर बना दी, ठीक है। एक तीसरा प्रोसेस होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है आपका कि आप किसी मेटल, आयरन वगैरह जो मेटल है उसको आप कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर बना देते हैं। जिंक आसानी से आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता, इस वजह से कि आपको पता है जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो ये जो है आपका जिंक आसानी से आपका जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर, ठीक है, जो आयरन को रिप्लेस कर देती है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आप आयरन को आप कहीं भी रख रहे हो कॉन्टैक्ट में, तो वो इजीली क्या है आपका कोरोड नहीं होगा, क्योंकि आप सुपर जिंक ऑक्साइड की लेयर बना दी है, और जिंक ऑक्साइड की लेयर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इसमें आता है गैल्वनाइजेशन में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम आगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये आपके प्रिवेंशन के मेथड्स हो गए कि आप पेंट अप्लाई कर सकते हो, ऑयल अप्लाई कर सकते हो, या आप एग्जाम्पल हो गए, तो ये आपका कोरोजन हो गया, ठीक है। दूसरा इफेक्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन का, रेंसिडिटी की, रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या होता है कि आपका द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जो आपके खाने वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको पता है फैट्स होता है आपका, फूड के अंदर जो आप खाते हो डेली उसमें ऑयल होता है आपका, ठीक है। अभी जो कंटेंट होता है आपका फैट्स एंड ऑयल्स, इनका जब ऑक्सीडेशन होने लगता है, यानी कि अगर आप इन्हें हवा में रख देते हो, व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब इन्हें हवा में छोड़ देते हो आप थोड़े टाइम के लिए, मान लो कि आपने खाना वगैरह जो है रात को रख दिया और सुबह को आपने देखा, क्योंकि वो काफी टाइम तक एयर में एक्सपोज रहा, तो धीरे धीरे वो जो खाना है आपका अपने स्मेल चेंज करने लगता है, उसका टेस्ट बदलने लगता है, जिसे आप कहते हो खाना बासी हो गया, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर है रैंसिड। तो उस फूड को आप बोलोगे कि फूड रैंसिड हो गया है, और ये प्रोसेस होता है रैंसिडिटी, यानी कि जो आपका फैट्स एंड ऑयल्स उस खाने के अंदर होता है उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो उनका ऑक्सीडेशन जो हो गया है, क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि उसे आपने एक्सपोज किया किसमें, एयर में, हवा में आपके पास ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन उस खाने से जाकर रिएक्ट कर गया फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर थे, इसके वजह से उस खाने का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। और इस रैंसिडिटी प्रोसेस से आप पता कर सकते हो खाने में लीड्स टू बैड स्मेल, ठीक है, खाने से गंदी स्मेल आएगी या उसके खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे खाना जो है बेसिकली बासी हो गया है, अभी खाने लायक नहीं है।
अभी रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, इसके बहुत सिंपल मेथड है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको बताया कि फैट्स एंड ऑयल्स जो आपके खाने वगैरह है इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दें जिन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन होने नहीं देते। इसमें वर्ड्स आप समझ सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को होने ना दे, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इन्हें अगर आप ऐड कर दोगे फैट्स एंड ऑयल्स में अपने फूड के साथ, ठीक है, तो फिर आपका जो है ऑक्सीडेशन उनका नहीं होगा या काफी बहुत स्लो होगा। तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, कभी कभी आप खाने को है ना अपना एयर टाइट कंटेनर पैक कर सकते हो, कोई भी पैकेट वगैरह आता है इसमें हवा अंदर नहीं जा रही हो, ठीक है, तो अगर आप पैक करोगे और हवा ही अंदर नहीं जा रही है तो उनका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हवा चाहिए एटलीस्ट, इसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है, या पानी चाहिए, H2O से ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन वो तीसरा, आपने खाने को जो है रेफ्रिजरेट फ्रिज के अंदर रख सकते हो, वहाँ भी आपने ऑक्सीजन से बचा सकते हो, ठीक है, उसे एनवायरनमेंट से आई थिंक सही रिक्वायर्ड टेम्परेचर दे सकते हो, ठीक है। थर्ड और चौथा आपका है पैकिंग ऑफ पोटैटो चिप्स इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो आपके पोटैटो वेफर्स वगैरह आते हैं, चिप्स के पैकेट जो आते हैं जो आप खाते हो, तो उनमें क्या होता है कि उन खाने को बासी होने से बचाने के लिए, या वो खाना जो है आपका चिप्स वगैरह होते हैं वो बासी क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें गैस भरी जाती है, वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। अगर उसके अंदर आप ऑक्सीजन गैस भर दोगे फिर तो वो खराबी हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन होके, तो इसलिए उन चिप्स के अंदर ना नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। तो कोरोजन एंसिडिटी, इन दो टॉपिक्स के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।